My name is Rick Sobey. And repeat after me. I will never allow anyone to make me feel like I am not enough. अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब हैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशबाश होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, काइंडली मैंने कुछ बातें की हैं वो काइंडली ज़रूर सुनिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, कोई लाइक ना दीजिएगा, कोई सब्सक्राइब ना दीजिएगा, आई डोंट केयर, सिर्फ आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं यूट्यूब छोड़ चुका हूँ, पबजी भी छोड़ चुका हूँ और ये YouTube पे मेरी ऑलमोस्ट 7 मंथ बाद कोई वीडियो आ रही है। और ये वीडियो क्यों आई, इस वीडियो बनाने की नौबत क्या है, मुझे फिर से YT पे आने की ज़रूरत क्या पड़ी, वो आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा। मगर इस सारी डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ, अपने दिल की बातें। एक टॉपिक है उस पर बात करना चाहता हूँ जो कि है दोस्ती। ठीक है, दोस्ती ऐसी चीज़ है जो कि हर बंदे के पास, जिसे कहते हैं ना, हर बंदा उसको अवेल नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि हर बंदा यहाँ पे मुखलिस नहीं है, सही है, हर बंदा वफादार नहीं है। ठीक है, दोस्त यहाँ पे सबके पास हैं, अच्छे बुरे लोग जो भी हैं यहाँ पे सबके पास दोस्त हैं, लेकिन एक जो होती है ना वो प्योरनेस और वो खलूस का रिश्ता, वो यहाँ पे हर किसी के पास नहीं होता, ये सिर्फ उन्हीं के पास होता है जो खुद, जिसे कहते हैं ना, अंदर से प्योर होते हैं, अंदर से लॉयल होते हैं अगले बंदे के साथ, सही है। तो मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे साथ कुछ ऐसा वाकया हुआ है, मेरे पास साथ कुछ ऐसा सीन हुआ है जिसकी वजह से मैं पबजी से और यूट्यूब से और बाकी सोशल मीडिया से भी काफ़ी पीछे हट गया हूँ। और हुआ कुछ यूँ था, आपको जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरे पास अकाउंट था जो मेरा रेक्सोपी, काफ़ी हैवी अकाउंट था वो, 105 मेथिक से, उसमें सीज़न 18 की बात है, उसमें 105 में मैथिक थे, 45 और समथिंग उसमें गन्स थी, 20 मैक्स और फेरो, और मतलब कि कहने के बाद बहुत अच्छा अकाउंट था। ठीक है, उसके लिंक्स थे 6-7 बंदों के पास थे जो मेरे अपने थे, पर्सनल बंदे थे, मेरे सर्कल के बंदे थे। ठीक है, कह सकते हैं अच्छे लॉयल दोस्त थे मेरे। ठीक है, तो उसमें से मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, कुछ नहीं कहूँगा किसी को भी, क्योंकि मैं खामोशी से पहले भी पीछे हो गया हूँ, अभी भी मैं नहीं बोलता कुछ भी इस बारे में, बस जैसे कहते हैं ना, अपने दिल की बातें शेयर कर रहा हूँ, वही सीन है कि इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ, उन लोगों को नहीं सुना रहा। ठीक है, जिसने ये काम किया, बहरहाल उनमें से सीन कुछ ऐसा हुआ कि मेरा लॉगिन लीक हुआ, फिर उस पर मेरे अकाउंट पर बैन पड़ना शुरू हो गया, पहले कुछ मेरे ख्याल में 1 दिन का हुआ, फिर 1 वीक कुछ ऐसा हुआ पता नहीं, तो बैन वैन पड़ा उस पर, तो मेरा वो लॉगिन जो मेरे पास था ट्विटर का वो हट गया। ठीक है, उसके बाद वो अकाउंट किधर गया, क्या हुआ, कोई पता नहीं। तो मैंने अपने बंदे से बात की, कुछ मेरे लिंक्स थे, ठीक है, उनसे कॉन्टेक्ट किया, कुछ माशाल्लाह से यहाँ पे टिकटॉकर और यूट्यूबर्स बने बैठे हैं, ठीक है, जिनको मैं पर्सनली हेल्प आउट करता रहा, ठीक है, हर मामले में, ठीक है, लेकिन अंडरग्राउंड, सही है, मैंने कभी शो ऑफ नहीं किया, शो नहीं किया कि हाँ मैं फलां बंदे की मदद की, फलां यूट्यूबर के साथ मेरा ये वो फलां फलां, नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, उनको बोला, उनको रीच आउट किया, किसी ने भी इस मामले पे सीरियसनेस नहीं दिखाई, क्यों, क्योंकि वो मेरी चीज़ थी, वो उनका लॉस नहीं हुआ था, ठीक है, वो मेरा लॉस हुआ था, उनका लॉस नहीं हो रहा था, सही है, क्योंकि यहाँ पे ना हर बंदा सिर्फ ना अपने अपने फ़ायदे के लिए है, और अपने, जिसे कहते हैं ना, जहाँ उनका फ़ायदा होगा और जहाँ उनको ज़रूरत होगी नहीं किसी चीज़ की, वो तभी आएंगे। ये गेमिंग कम्युनिटी हमारी इतनी कोई चुत्तू किस्म की हो चुकी है ना, ठीक है, और यहाँ पे हर, जिसे कहते हैं ना, बंदा ऐरा गैरा बंदा बस ना आके बना फन्ने हाँ बना फिर रहा है, ठीक है, और जब काम किसी से पड़ जाए या कुछ भी ना, तो ऐसे वो, जिसे कहते हैं ना, बंदर का लाल पिछवाड़ा, वो दिखा के भाग जाते हैं, सही है। अब ये कहने की बातें नहीं है, लेकिन निकल रही है मेरे मुंह से, क्या हो सकता है। बल्कि अब मैंने लिंक्स लड़ाए अपने, कुछ नहीं हो सका, मैं चुप करके फिर पीछे हो गया,
अब मेरा रेक्सी स्पोर्ट्स, आपको लोगों को पता है एक कंपेटिटिव फील्ड में एक नाम था उसका, ठीक है, अभी भी है कुछ लोगों को के दिलों में भी है, माइंड में भी है, ठीक है, क्योंकि मैंने जो अपने तासुरात छोड़े थे, ठीक है, मैंने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करवाना और स्पॉन्सर्स करना, लाइनअप स्पॉन्सर करना, टूर्नामेंट स्पॉन्सर करना, बहुत वर्कआउट कर चुका था मैं, ठीक है। इस एक वाक्य के बाद ना मेरा दिल टूट गया, ठीक है, इस चीज़ से ही ना दिल उठ गया मेरा, वरना मेरा बहुत सा प्लान था कि आगे इस तरह लेके जाना है अकाउंट को, YT को, अपना ई स्पोर्ट्स का जो एक मैंने लाइनअप रखा था और लाइनअप्स स्पॉन्सर किए थे उनको कैसे मैनेज करना है और ऊपर लेके जाना है, ये सारा जैसे कहते हैं ना मेरा खलास हो गया सिर्फ एक इस चीज़ की वजह से। जब मेरे सर्कल के दो जो लोग हैं उनमें मेरे लिए लॉयल्टी नहीं है, ठीक है, तो मैं बाहर के बंदे को, ठीक है, फ़लाँ बंदे को मैंने स्पॉन्सर कर दिया, फ़लाँ बंदे को मैंने इनडायरेक्टली वो अंडरग्राउंड जो उसको UC स्पॉन्सर कर दिया, क्या वो लोग मेरे साथ क्या वो लॉयल होंगे जब मेरे अपने सर्कल के बंदे ही मेरे साथ लॉयल नहीं हैं। अब मैं किसी को नहीं बोल रहा, किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मुझे पता है ये सारे सुनेंगे वो लोग जिनके पास ये लॉगिंस हैं, तो आई एम रियली सॉरी टू यू गाइज, मैं आप लोगों को नहीं पॉइंट आउट कर रहा, ठीक है, जिसने किया है वो समझ गया है, ठीक है, और उसको बहुत मुबारक हो, ठीक है, बहुत बहुत मुबारक हो कि उसने मेरी लॉयल्टी का फ़ायदा उठाया, ठीक है, और इस गलत यूज़ किया उस चीज़ को, उसको बहुत मुबारक हो, जो जो उसको मिला जितने में उसने सेल किया वट एवर जो भी किया, तो उसको बहुत मुबारक हो, ठीक है। हुआ कुछ नहीं, हुआ सिर्फ इतना है मैं कोई आसमान से गिर के ज़मीन पर नहीं आ गया, पहली बात। दूसरी बात, अगर मेरा कोई नुकसान हुआ है ना, वो सिर्फ इतना सा हुआ है कि मेरा जो वो ट्रस्ट बेस्ड रिलेशंस थे ना, दोस्तियाँ थी, बाकी चीज़ें थी रिलेशनशिप के बेस पे, उनसे एतबार उठ गया मेरा, ठीक है। तो अब मुझे आप लोग बता दो, अगर किसी ने पूरी वीडियो सुनी है, ठीक है, बातें सुनी है, तो आप लोग बता दो मैं कहाँ पे गलत था। मैंने किया नहीं लेकिन मेरे साथ हुआ है, मैं लॉयल था लेकिन मुझे सफ़ेद झंडी दिखाई गई है, ठीक है। बाकी आप लोग बता दो मैं कहाँ पे गलत था, मेरी गलती क्या थी, ठीक है। जिसने वीडियो पूरी सुनी है काइंडली वो कमेंट्स में मुझे बता दे मैं गलत कहाँ पे था। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।